प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। प्रतियोगी परीक्षा में व्यावहारिक पक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। यह बात मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको कह भी चुका हूं। मुझे आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं और निसंदेह ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षा के व्यावहारिक पक्ष से संबंधित हैं। एक प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है कि सर, अगर आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो और आप उसके बारे में कुछ भी ना जानते हो तो आप क्या काम करेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मुझे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं क्या काम करूंगा। यहां पर एक फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल देसी सा फार्मूला है। उसमें देसी तरीके से इस बात पर चर्चा की गई है कि एक नए व्यक्ति को, एक बिगनर को सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय कौन सा कदम उठाना चाहिए। मैं इस फार्मूले को P3 का नाम देता हूं। फार्मूले का नाम है P3। P3 नाम क्या क्यों है इसका, अभी आप समझ जाएंगे। सबसे पहली बात, पहला स्टेप मैं उठाऊंगा वो ये है कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की मुझे तैयारी करनी है मैं उसका पाठ्यक्रम लूंगा। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम लेना है। देखिए, पाठ्यक्रम में अगर पाठ्यक्रम को आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो सबसे पहला शब्द आएगा पी, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम लेना है। पाठ्यक्रम को आप कंडक्टिंग एजेंसी की, यानी कि जो एग्जाम आयोजित करने वाला संस्थान है उसकी साइट से लेना है, ओरिजिनल पाठ्यक्रम लेना है और हार्ड कॉपी में पाठ्यक्रम लेना है। तो पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी आपको निकलवानी होगी। मैं लिख देता हूं और इसे 4 बार आपको पढ़ना है। भले आप एक नए व्यक्ति हैं, पाठ्यक्रम पढ़कर आप कुछ भी समझ ना पाए, लेकिन फिर भी आपको पाठ्यक्रम को कम से कम 4 बार पढ़ना है और उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। अब दूसरी बात आती है पुराने पेपर्स। ये देखिए, एक और पी जो है उसमें आ रहा है। पुराना को अगर आप अंग्रेजी में लिखें, पेपर को आप अंग्रेजी में लिखें तो पी शब्दों का प्रयोग होता है। तो पुराने पेपर्स, आप पुराने पेपर्स लीजिए। पाठ्यक्रम को 4 बार पढ़ने के बाद आप पुराने पेपर्स लीजिए और ये पुराने पेपर होने चाहिए पिछली 4 परीक्षाओं के। तो पिछली 4 परीक्षाओं के पुराने पेपर आपको ले लेने हैं। पिछली 4 परीक्षाओं के पुराने पेपर्स आपको लेने हैं और इन पेपर्स को भी आप कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। आप समझ गए बात को। और अब बात करते हैं तीसरे पी की। तीसरे पी का मतलब है पेपर पैटर्न। आपको पेपर पैटर्न समझना है। पेपर पैटर्न में आपको ये देखना है कि कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर में प्रश्न संख्या कितनी रहती है, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अंक कितने रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या तरीका है, आपको पेपर करने के लिए कितना समय प्राप्त होगा, ये आपको देखना है। और फिर देखना है कि कौन कौन से विषय
और उनका अंक भार कितना है, ये काम आपको करना है। अंक भार कितना है ये काम आपको करना है, यानी कि ट्रिपल पी का फार्मूला एक नए व्यक्ति को, एक बिगनर को, एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आरंभ करने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिए। मैं कई बार क्लास में घुसता हूं, मैंने देखा एक बार लगभग 1000 लोगों की कांस्टेबल की क्लास थी, मैं उसमें घुसा, मैंने पूछा कि किस किस के पास पाठ्यक्रम है, तो मुश्किल से 25% लोगों के हाथ खड़े हुए जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास हार्ड कॉपी में कंडक्टिंग एजेंसी द्वारा जारी किया हुआ पाठ्यक्रम है। फिर मैंने पूछा कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो जिनके पास पुराने पेपर हैं और उन्होंने उन पुराने पेपर्स को पढ़ा भी है, तो ये संख्या 10% से नीचे चली गई। पेपर पैटर्न की जानकारी तो आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आपके पास पाठ्यक्रम हो, पुराने पेपर्स हो। तो आपको ये काम करना है अगर आप एक नए व्यक्ति हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम हार्ड कॉपी में लीजिए, पुराने पेपर्स जो विगत 4 परीक्षाओं के हो उनकी एक अलग से फाइल लगा लीजिए और एक व्हाइट कागज पर स्वयं बनाइए पेपर पैटर्न को, जिसमें प्रश्न संख्या हो, अंक के बारे में जानकारी हो, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, पेपर के समय के बारे में, विषय यानी कि क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, उनका अंक भार क्या है, इस बात की जानकारी रखें। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर जब एक नया बच्चा है तो उसे समझ में कैसे आएगा। देखिए, जब हम प्रारंभिक स्तर पर परीक्षा की तैयारी को शुरू करते हैं तो हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर हमारे अचेतन मस्तिष्क में पेपर का फ्रेम, परीक्षा का फ्रेम, उसके तरीके का फ्रेम बनने लगता है और धीरे धीरे फिर हम उसके पास पहुंचते जाते हैं, हम उसे समझते जाते हैं कि वास्तव में इस प्रतियोगी परीक्षा को हम कैसे क्लियर करेंगे, कैसे अपने गोल को प्राप्त करेंगे। जय हिंद।